हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम समझने वाले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस किसे कहते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के कौन से टाइप्स होते हैं और बेसिकली एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हमें कहां पे काम में आता है। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, हर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तीन चीजों से बन सकता है। पहली चीज वेरिएबल्स, हम समझेंगे कि वेरिएबल किसे कहते हैं। सेकेंड, कॉन्स्टेंट्स, कॉन्स्टेंट का मतलब भी हम समझेंगे। कॉन्स्टेंट में नंबर्स भी आते हैं, जैसा कि नाम बताता है ऐसी चीज जो चेंज नहीं होती उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टेंट। एंड तीसरा होता है ऑपरेशंस। ये कौन से ऑपरेशंस? मैथमेटिकल ऑपरेशंस, जैसे प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लीकेशन हो गया, डिविजन हो गया। वेरिएबल्स की बात समझते हैं, वेरिएबल्स किसे कहते हैं। मान के चलिए, देख दो दो पर्सन है, एक है राम और दूसरा है अजय। दोनों जो है ब्रदर्स है। राम का एज मुझे पता नहीं है, लेकिन अजय जो है राम से 3 साल से बड़ा है। तो क्या बता पाएंगे कि अजय का एज कितना हो जाएगा? देखिए, मैंने ये कहा कि राम का एज मुझे पता नहीं है, लेकिन अजय जो है वो राम से 3 साल से बड़ा है, तो अजय का एज कितना हो जाएगा? अब सिंपल चीज है, आप मुझे पूछ रहे होंगे कि सर अगर मुझे राम का ही एज नहीं पता तो अजय का एज कैसे बता पाएंगे? हाँ, अगर मैं कहूं कि राम का एज जो है वो 5 ईयर्स है तो अजय का एज जो है वो 5 + 3 मतलब 8 ईयर्स बन जाएगा। लेकिन हमें तो यहां पर राम का एज पता ही नहीं है, तो जिस चीज को हमें पता नहीं है उसी चीज को हम बोलते हैं अननोन क्वांटिटी। जो चीज हमें पता नहीं है उसको ही हम क्या कहते हैं? अननोन क्वांटिटी। और ये जो अननोन क्वांटिटी है इसी को ही हम कहते हैं वेरिएबल्स, राइट? तो अब हम क्या करेंगे, हम मान के चलेंगे कि जो राम का जो प्रेजेंट एज है, राम का जो प्रेजेंट एज है वो एक्स ईयर्स है। अब आप शायद बता पाएंगे कि राम का प्रेजेंट एज अगर एक्स ईयर्स है तो अजय का प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा? वो तो हो जाएगा एक्स में हम 3 ऐड कर देंगे, एक्स प्लस 3 ईयर्स। तो ये जो अभी बना हुआ है एक्स, उसके बाद जो मिल गया हमें एक्स प्लस 3, इसी चीज को भी हम कहते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब आप समझिए, ये जो वेरिएबल है एक्स इज अ वेरिएबल। अगर मैं इस एक्सप्रेशन की बात करूं, इसमें एक वेरिएबल है, इसमें एक ऑपरेटर है। कौन सा ऑपरेटर है? एडिशनल ऑपरेटर है, राइट? सम ऑपरेटर भी इसे कहते हैं। सो दिस इज एन ऑपरेटर। और ये 3 क्या है? इट्स अ कांस्टेंट। 3 क्या है? कांस्टेंट। इस तरह से हमारे बहुत सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस बन सकते हैं। इसी चीज के साथ और डिटेल में देखते हैं। देखिए, x एक एक्सप्रेशन बोल दिया हमने, x प्लस 3 भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब मैं इस x को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये क्या बन गया? 2x। इसमें अब मैंने ऐड नहीं किया, सबट्रैक्ट कर दिया, तो आपका एक और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। इसी तरह से जरूरी बिल्कुल नहीं कि x ही रहे। आप देखिए, x को जब आप x से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या मिलता है? x स्क्वायर मिलता है। तो 3x2, इसमें मैंने 7x ऐड कर दिया, प्लस 9 ऐड कर दिया, ये भी बन चुका है एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के बहुत सारे जो है वो टाइप्स भी बनते हैं। हम टाइप्स डिफाइन करेंगे, ठीक है? अभी तक हम 3 चीज पढ़ी हुई, वेरिएबल, कांस्टेंट और तीसरा ऑपरेटर। हर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन तीनों के कॉम्बिनेशन से बन सकता है। अगर ये जो सिंपली एक्स मैंने लिखा हुआ है तो अकेले एक्स को भी हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस कहते हैं। एक्स प्लस 3 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, 2x - 7 भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, और ये भी जो है वो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो हम जो है इसको टाइप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को। जैसे अगर सिंगल टर्म है, अब पहले हम टर्म समझ लेते हैं कि टर्म क्या होती है। जैसे इसी में से एग्जांपल लेता हूं मैं, 3x² + 7x + 9। अब आप देखिए, यहां पर यहां एक प्लस है और यहां एक प्लस है, तो ये जो प्लस से सेपरेटेड चीजें है ना, इसको ही हम कहते हैं टर्म। तो क्या आप बता पाएंगे? देखिए, ये एक चीज है जो प्लस से सेपरेटेड है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। तो ऐसी कितनी चीजें? 3 चीजें। सो इसी को हम कहते हैं टर्म्स। सो देखिए, जो प्लस और माइनस से सेपरेटेड है उसी को हम टर्म कहते हैं। मल्टीप्लीकेशन वाले को हम टर्म नहीं कहने वाले। मतलब क्या? जैसे 7 × x, अब आप जानते हैं ना कि 7x का मतलब क्या हो गया, 7 × x। क्या आपको यहां प्लस दिख रहा है? नहीं। क्या आपको माइनस दिख रहा है? नहीं। तो इसमें 7x अकेली टर्म है, और कोई टर्म रह गई? क्योंकि जब भी हम प्लस करते हैं कम से कम 2 चीजें चाहिए। विल नीड एटलीस्ट 2 टर्म्स टू ऐड।
Similarly, we need at least 2 terms to multiply also. So when 7 gets multiplied by x, what we have is 7x, and this is single term. इसे हम सिंगल टर्म कहेंगे, राइट? तो यहां पर जो है, अगर मैं कहूं फर्स्ट टर्म कौन सा मिलेगा हमें, फर्स्ट टर्म कौन सा मिलेगा, ये यहां पर फर्स्ट टर्म होगा 3x2। सेकेंड टर्म कौन सा मिलने वाला है हमें, सेकेंड टर्म होगा 7x। क्या आप बताएंगे थर्ड टर्म क्या रहेगा यहां पर? यस, थर्ड टर्म जो है वो बनेगा 9। तो इस तरह से 3 टर्म्स हो गई है इस एलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। अब आप बताइए मुझे इसमें कितने टर्म्स है? 2 टर्म्स है। पहला टर्म है 2x, सेकेंड टर्म को आप लेंगे -7। यहां पर फर्स्ट टर्म x है, सेकेंड टर्म जो है +3 है, और ये जो है सिंगल टर्म वाला एक्सप्रेशन है। अब हम क्या करेंगे, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उनको हम कैटेगराइज करेंगे ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स दे हैव। डन, चलिए अब हम टर्म्स तो पढ़ लिए हैं, अब हम कैटेगराइज करेंगे एलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स दे हैव। तो अगर नंबर ऑफ टर्म्स ओनली वन है, ओनली वन टर्म, तो इसको हम कहते हैं मोनोमियल। दिस इज कॉल्ड एज मोनोमियल। ये 4 एक्सप्रेशन लिखे हैं, क्या आप बता पाएंगे इसमें सिर्फ एक टर्म है? जो फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन, इसमें सिर्फ एक ही टर्म है, तो जिसमें भी एक टर्म है उसको हम क्या कहेंगे? मोनोमियल। तो यहां मैं लिख लेता हूं एग्जांपल्स में, एग्जांपल क्या हो गया, x मोनोमियल। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल 7। आपको लगता है कि 7 एक्सप्रेशन बनेगा? यस, इसे भी हम एक्सप्रेशन कहते हैं। डन, देन 3x^9, ये भी एक एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, सब में एक एक टर्म है, तो इसे हम कहेंगे मोनोमियल। अगर 2 टर्म्स है, इफ देयर आर 2 टर्म्स, इफ देयर आर 2 टर्म्स, तो इसको हम कहते हैं बायनोमियल। जिसमें 2 टर्म्स, ऐसे एक्सप्रेशन को हम कहते हैं बायनोमियल। यहां पर देखिए, बता पाएंगे आप कौन से टर्म्स, कौन सा एक्सप्रेशन बायनोमियल है? यस, x+3 एंड 2x-7। तो इसका एग्जांपल भी लेंगे हम, x+3 एंड 2x-7। सिमिलरली अगर आपके पास 3 टर्म्स है, 3 टर्म्स वाला कोई एक्सप्रेशन है, अगर हमारे पास 3 टर्म वाला एक्सप्रेशन है, तो उसको कहते हैं ट्राइनोमियल। इट इज कॉल्ड एज ट्राइनोमियल। ओके, ये कैसे रहेगा, जैसे 3x^9 +5x+7, 3 टर्म्स होने चाहिए। ये जो x का पावर में हमने लिखा, उसका कुछ भी लेना देना नहीं है, 3 टर्म्स होनी चाहिए। जैसे यहां पर फर्स्ट टर्म ये है, सेकेंड टर्म 5x है, थर्ड टर्म 7 है, 3 टर्म्स है इसमें। और एग्जांपल लिखते हैं 3x^2 + 2x + 9, ये भी 3 टर्म्स है इसमें। राइट, मिक्स x^8 + x^7 + x, ये भी एक ट्राइनोमियल है। तो आपको समझ में आ गया है मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। दिस आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन जो आपको बुक में देखने को मिलेंगे। एंड यू विल हैव क्वेश्चंस लाइक दिस, की एक्सप्रेशन दिया रहेगा और बोलेंगे बताइए कि ये मोनोमियल है, बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल है। ठीक है, तो अभी तक क्या क्या पढ़ा हमने एक बार देख लेते हैं। हमने ये समझा है कि एलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं। एलजेब्रिक एक्सप्रेशन वेरिएबल, कॉन्स्टेंट और ऑपरेशन से बनता है। नंबर ऑफ टर्म्स अगर एक है तो उसको मोनोमियल कहते हैं, 2 टर्म से तो बाइनोमियल, 3 टर्म से तो ट्राइनोमियल। हमने टर्म किसे कहते हैं वो भी देख लिया। तो हमने अब नेक्स्ट चेक करेंगे कि कोएफिशिएंट किसको कहते हैं। कोएफिशिएंट इसी में से एग्जांपल लेंगे हम। देखिए, x के सामने मेरा आपसे सवाल है, अगर कोएफिशिएंट पहचान है तो द क्वेश्चन दैट यू शुड आस्क इज हाउ मेनी x आर देयर, कितने x है यहां पर, ओनली वन। तो अगर कोई एक्सप्रेशन ऐसा है तो इसमें कोएफिशिएंट ऑफ x कितना होगा, कोएफिशिएंट ऑफ x विल बी इक्वल्स टू 1। डन, अब कुछ इस तरह से लिख रहा हूं मैं 3x। अब बताइए आप कोएफिशिएंट ऑफ x कितना हो जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछेंगे आप कोएफिशिएंट निकालने के लिए, कितने x है, तो आप पढ़ेंगे 3x है, तो इस वक्त जो है वो आपका आंसर आएगा कोएफिशिएंट ऑफ x इज 3। डन, नाउ इट कैन बी -3 आल्सो, तो आप कहेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है, -3। दैट केस हमारा जो आंसर है वो -3 भी रहेगा। डन, सो दिस इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट। अब मैं आपसे पूछता हूं कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है, इसमें x^9 का कोएफिशिएंट कितना है। मेरा सवाल ये है x^9 का कोएफिशिएंट कितना है, तो उसके सामने जो भी नंबर लिखा है उसको हम कहेंगे कोएफिशिएंट, तो इट इज 3। इसमें x का कोएफिशिएंट कितना है, 5। यहां पर वेरिएबल है ही नहीं,
तो जहां वेरिएबल नहीं वहां कोएफिशिएंट नहीं। कोएफिशिएंट को कहते हैं सहगुणक, हिंदी में कहा जाता है। हिंदी जो है बहुत ही आसान होती है समझने के लिए, क्योंकि हमारी जो नेशनल लैंग्वेज है हम समझ पाते हैं आसानी से। तो सह सह मतलब जो साथ में रहता है, गुणक मतलब जो साथ में मल्टीप्लाई होता है, दैट इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट। सो यहाँ पर वेरिएबल ही नहीं ना, तो जब वेरिएबल ही नहीं तो उसका कोएफिशिएंट कहाँ से आएगा। सो दिस इज जस्ट अ कॉन्स्टेंट टर्म, जहां एक्स नहीं है उसको हम कहते हैं कॉन्स्टेंट टर्म। राइट, आई होप स्टूडेंट्स कि आपको इतनी चीज जो है वो क्लियर हो गई है। चलिए लेट्स नाउ टॉक अबाउट फैक्टराइजेशन, लेट्स नाउ टॉक अबाउट फैक्टराइजेशन। जब भी x x से मल्टीप्लाई होता है तो मिलता है हमें एक्स स्क्वायर। अगर x को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिलेगा 3x। अगर इस 3x को मैंने y से मल्टीप्लाई किया तो बन जाएगा ये 3xy। आप ध्यान दे रहे होंगे कि x जब x से मल्टीप्लाई होगा तो x के पावर में 1 था, यहां पर भी x के पावर में 1 था, और ये दोनों जो है वो ऐड हो गए। कब? ये जब x x सेम है, x स्क्वायर बन गया। जब x 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 3 को हमने सामने लिख लिया। कोएफिशिएंट हमेशा वेरिएबल के पहले लिखा जाएगा, तो ये क्या बन गया 3x। और 3x जब भी लिखा है तो एक चीज जो बहुत ही माइंड में क्लियर रहेगी कि इट इज इन मल्टीप्लीकेशन। 3 और x के बीच में कौन सा साइन रहेगा? मल्टीप्लीकेशन। लेकिन हम लिखने वाले नहीं है। अब इस क्लास से जब आपने एलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ गया, अब आपको जितनी भी चीजें आगे मैथ्स में दिखेगी जहां पर कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब वहां पर क्या रहने वाला है? मल्टीप्लीकेशन। यहां पर ये जो 3xy है बेसिकली है क्या, ये है 3 x y। लेकिन अब हम इस चैप्टर के बाद से हम लिखेंगे कैसा, इस तरह से लिखने वाले, दिस कॉल्ड एज 3xy। नो, अब वो जो कोएफिशिएंट वाली चीज है मैं पर फिर से यहां पे लेके आता हूं। अगर मैं आपसे पूछूं कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है तो क्या जवाब देंगे आप? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है? अब आप देखेंगे कि x के सामने 3 लिखा हुआ है, लेकिन सवाल ये है कि कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है। तो सिर्फ नंबर ही नहीं, उस वक्त आप इस टर्म में x के अलावा जो भी है वो बताएंगे। तो x के अलावा यहां कौन है? 3 और y, मल्टीप्लिकेशन में ना, इसीलिए। तो x का कोएफिशिएंट इस टर्म के लिए कितना हो जाएगा? 3y। अगर ये समझ में आ गया तो बताइए कोएफिशिएंट ऑफ y कितना बनेगा यहां पर। और फिर से आप y को छोड़ के कौन बचा हुआ है? 3x। राइट, सो कोएफिशिएंट आपको किस तरह का क्वेश्चन पूछा है वो ध्यान देना है। अगर न्यूमरल कोएफिशिएंट पूछेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 3 ही रहने वाला है। ठीक है, इस टर्म का कोएफिशिएंट पूछा जाएगा तो नंबर कांस्टेंट ढूंढना है आपको, दैट विल बी 3। ओके, हम बात कर रहे हैं फैक्टराइजेशन की, हम बात कर रहे हैं फैक्टराइजेशन की। जैसे अब एक एक्सप्रेशन लेते हैं, एक एक्सप्रेशन लेता हूं मैं, 3x² + 9x + 8। अब क्वेश्चन ये रहेगा कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो क्या करेंगे बताइए? हमारा जो सॉल्यूशन रहेगा वो किस तरह से रहेगा? ये एक्सप्रेशन है 3x² + 9x + 8। अब इसमें कौन से टर्म्स है हमारे पास? फर्स्ट टर्म कौन सा है? 3x², सेकेंड टर्म कौन सा है? 9x, थर्ड टर्म कौन सा है? 8। ये तो 3 टर्म्स हो गए। अब इन्हें हमें क्या करना है? टर्म्स भी निकालना है और उसके फैक्टराइजेशन भी करना है, और क्वेश्चन साथ में आगे बढ़ा दिया जाएगा कि इसको फैक्टराइज भी करिए, हर टर्म के फैक्टर्स बताइए। तो एक चीज, अभी जो हम थोड़ी सी नए तरीके से पढ़ रहे हैं, आपको एक एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ रहेगा इस तरह से। पहली चीज आपको टर्म्स आइडेंटिफाई करना है कि कितनी टर्म्स है और कौन कौन सी टर्म है। तो यहां पर फर्स्ट टर्म कौन सा है? 3x², सेकेंड टर्म कौन सा है? 9x, थर्ड टर्म कौन सा है? 8। वेरिएबल नहीं है तो कॉन्स्टेंट बन गया। अब हर टर्म को हमें फैक्टराइज करना है, इसका मतलब उसके फैक्टर्स ढूंढना है। जो चीज आपको पहले से पता है वो हम देखते हैं। आपने आप पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर चुके हैं, तो मुझे बताइए कि 10 का फैक्टर्स क्या बनते हैं? एक 2 और दूसरा कौन सा? 5। हाँ, 1 तो रहने ही वाला है, तो 10 के फैक्टर्स करेंगे 2, 5, 1। मतलब जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस 10 मिलना चाहिए, तो उसको हम क्या कहेंगे? फैक्टर्स। हाँ, एक चीज जो मैं आपसे बिल्कुल अग्री करूंगा कि हर नंबर का फैक्टर तो खुद होता ही है, 10 10 को डिवाइड करता है, 20 20 को डिवाइड करता है। तो 10 का फैक्टर 10 तो रहने ही वाला है, लेकिन अगर मैं 1 और 10 को छोड़ दूं तो बचा कौन सा? 2 एंड 5। इस तरह से अब 3x² के मेन फैक्टर्स कौन से हो जाएंगे आपके? एक 3 हो जाएगा, x हो जाएगा और ये x हो जाएगा। मतलब जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा टर्म मिलना चाहिए। अगर ये समझा तो बताइए यहां पर फैक्टर्स क्या बनेंगे? अगेन इट कैन बी 9 एंड x। 9 और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 9x मिल जाएगा।
एट के तो फैक्टर्स का सवाल नहीं उठता, अकेला टर्म है तो वहां पर एट ही लिखेंगे आप, ठीक है। हाँ, अब आप पूछेंगे सर इसको टू इंटू फोर लिख सकते हैं, क्यों लिखेंगे आप जब एट डायरेक्टली आपके पास है, राइट? मतलब क्या जब आपके जो टर्म जहां मल्टीप्लीकेशन प्रेजेंट है उसमें कितने फैक्टर्स से ढूंढ के निकालना है, जब आपके पास ऑलरेडी अकेला एट नंबर है इसके फैक्टर्स निकालने की जरूरत नहीं है, राइट? आई होप दिस क्लियर। ओके, तो अभी हमने क्या कैसे पढ़ा हुआ है, हमने देखा कि फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, हमने ये पढ़ा कि अगर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो उसमें टर्म्स कैसे आइडेंटिफाई करें और उसके फैक्टर्स भी कैसे आइडेंटिफाई करें। द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू लर्न इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। लेट्स बिगिन। एडिशन कैसे करेंगे देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल लेता हूं मैं, 3x प्लस 5 और दूसरा है 2x प्लस 9, इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो कैसे करते हैं देखिए, अभी यहां 3x प्लस 5 है, इसमें हम ऐड करेंगे 2x प्लस 9। ऐड करने के साथ साथ एक और चीज, नया कॉन्सेप्ट हम यहां देखेंगे कि लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स किसे कहते हैं। 3x square plus 5x plus 2 और यहां हमने लिख लिया है x square plus 9x plus 7। अब ये एक एक्सप्रेशन है और ये एक एक्सप्रेशन है, दोनों में हमें एक जैसे टर्म्स ढूंढना है, तो इनको लाइक टर्म्स ढूंढेंगे हम। तो अगर मैं दोनों एक्सप्रेशन की लाइक टर्म्स ढूंढू तो यहां भी x square है और यहां भी x square है, तो दोनों एक्सप्रेशन का, यहां का 3x square और यहां का x square, these are the like terms। यहां x है और यहां भी x है, तो 5x और 9x बन गए हैं लाइक टर्म, और यहां भी कांस्टेंट है और यहां भी कांस्टेंट है, तो ये सब क्या बन गए हैं, लाइक टर्म्स। पेयर्स में रह सकती है, तीन रह सकती है, तो 3x स्क्वायर एंड x स्क्वायर क्यों लाइक टर्म्स है, क्योंकि x स्क्वायर यहां भी है यहां भी है, इसीलिए कोएफिशिएंट मैटर नहीं करता, कोएफिशिएंट इंपॉर्टेंट नहीं है, वेरिएबल इंपॉर्टेंट है। यहां भी x स्क्वायर है, यहां भी x स्क्वायर है, इसीलिए दोनों लाइक टर्म। नाउ आप चेक करिए, यहां 5x है, यहां 9x है, दोनों में x है, इसीलिए ये दोनों लाइक टर्म्स है। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है सर। अनलाइक टर्म्स कौन सी, बहुत ही आसान, जो लाइक नहीं है उनको हम अनलाइक कहेंगे। जैसे देखिए ना, यहां x स्क्वायर है और यहां कितना है x, तो क्या इन दोनों को ऐड करेंगे क्या, नहीं करेंगे। वही रूल है एडिशन का कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिर्फ और सिर्फ लाइक टर्म का ही करते हैं। आइए इधर, लाइक टर्म समझ में आ गया आपको, देखिए ये भी 5x है, ये 2x है, तो स्टेप नंबर 1 क्या रहेगा, लाइक टर्म्स को कनेक्ट कर लीजिए आप, 3x प्लस 2x, अब ये 5 और ये 9, तो बताइए जब मैं 3x में 2x ऐड करूंगा तो पूरे मिला के कितने x बनेंगे, 5x। अब एक चीज जो और कर सकते हैं वो ये है कि दोनों में से अगर मैं x बाहर निकाल लूं तो ये क्या बन जाएगा, 3 प्लस 2x, 5 प्लस 9 जो है 14 बन गया, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 5x प्लस 14। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, राइट? वेल बच्चों, अगर समझ में आ रहा होगा तो प्लीज कमेंट करके बताइए कि आपको अच्छे समझ में आ गया है, राइट? चलिए आइए, अब हम अगर इसी चीज को मुझे सब्ट्रैक्ट भी करना होगा, इफ आई वांट टू सब्ट्रैक्ट दिस, तो कैसे करेंगे हम, सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्शन का भी सीख लीजिए। अगेन एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ लाइक टर्म का ही होता है। अगर इसी टर्म का मुझे सब्ट्रैक्शन करना है तो क्या करेंगे, देखिए 3x प्लस 5, अब यहां पर माइनस का साइन आएगा और फिर सेकेंड एक्सप्रेशन लिखेंगे। लेकिन एक बहुत ही केयरफुल रहना है यहां पर आपको एक चीज का बहुत ही केयर लेना है, वो ये है कि सेकेंड टर्म के पहले आपको ब्रैकेट डालना कंपलसरी है, जरूरी है। तो आप सेकेंड टर्म लिख लीजिए 2x प्लस 9, सॉल्व करते हैं इसको 3x प्लस 5, ब्रैकेट ओपन करते हो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। अभी देखिए पहले 2x कैसा है, प्लस है ना, 2x कैसा है, पॉजिटिव है, 2 के सामने का साइन कौन सा है, प्लस, अब ये क्या बन जाएगा, माइनस 2x, ब्रैकेट हट गया, अब ब्रैकेट हट गया, प्लस 9 था ये बन गया माइनस 9, अब ब्रैकेट नहीं लिखा हमने, ओके। अब फिर से 3x और 2x को पास में लेके आएंगे, मतलब लाइक टर्म्स को करेक्ट करेंगे,
एंड देन 5 माइनस 9, क्या बता पाएंगे आप? 3x में से 2x चले जाएंगे तो कितना x बचेंगे? 1x, 2x, 3x, इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट किए 2x, तो 1x, x, x कैंसिल हो गया, ठीक है? कितना x बचा होगा? ओनली 1x, तो 3x माइनस 2x कितना हो गया? x, 5 माइनस 9 कितना आ जाएगा? माइनस 2, एंड दिस इज द आंसर. वेल आई होप स्टूडेंट्स यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट. लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो टू लर्न अबाउट द मल्टीप्लिकेशन एंड फॉर द फैक्टराइजेशन ऑफ एलिमेंट्स.